साइंटिस्ट का पूरा डेटा हमारे पास है। तो ये रिसर्च हम लोगों ने दो कारण से की। एक कारण तो ये कि लगातार खबरें मीडिया में आ रही हैं कि हिंदुस्तान में अब मेडिकल टूरिज्म, आपने बहुत सुना होगा मेडिकल टूरिज्म जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि उस मेडिकल टूरिज्म की आड़ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं जिसमें कि सेरोगेसी हो रही है। अब सेरोगेसी का मतलब क्या है और क्यों हमने दूसरे कारण इस स्टडी को करने का था, इस पूरी एरिया को स्टडी करने के बाद जो समस्या है कि हमारे यहाँ कोई कानून नहीं है जिस कानून के तहत इस पूरी प्रक्रिया को हम रेगुलेट कर सकें। ऐसा कोई कानून नहीं है जिस कानून के तहत अगर कोई इस पूरे काम में कोई किसी तरह का आपराधिक करण हो रहा है तो हम उसको किसी तरह से रोक सकें। कुछ मेडिकल एथिक्स की गलतियां हो रही तो हम उसको रोक सकें या उसको बदल सकें। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके साथ अगर वो लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं तो हम उसको किसी भी तरह से किसी कानून के शिकंजे में हम उनको कस नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे देश में भी कोई कानून नहीं। सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेडिकल काउंसिल के कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं जो बाइंडिंग नहीं होते हैं। उन्होंने कुछ मेडिकल कंसिडरेशन को लेकर के कुछ रेगुलेशन बना दिए सरोगेसी में, जिसमें कि ये तय कर दिया गया कि किन किन बातों को आपको करना है। जैसे एक मेडिकल प्रैक्टिस है कि IVF। अब मैं सरोगेसी को थोड़ा सा आपके सामने खोल के रखूँ कि है क्या है जो ये सरोगेसी है वो, वॉट इज इट। इट इज बेसिकली प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस इन विच मदर फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग हैपेंस आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज इम्प्लांटेड इन द वूम ऑफ अ वूमन एंड देन फाइनली द चाइल्ड इज प्रोड्यूस्ड नेचुरल। सो द कमिशनिंग पेरेंट्स जो माँ बाप है वो तो ओरिजिनल, मतलब माँ बाप का ही द एग इज फ्रॉम द पेरेंट्स ओनली विच इज फर्टाइल एंड देन थ्रू IVF इज यू नो पुट इन टू द स्टमक ऑफ दी और वूम ऑफ द सॉरी womb of the woman, तो वो बच्चा, you all know that about surrogacy, I don't need to explain that. Anyway, तो उसके लिए कोई ना कोई माँ चाहिए जो जिसका कि जो बच्चा इसको जिस बच्चे को जन्म दे सके। उसके लिए कमिश्निंग पेरेंट्स होते हैं जिनको ये बच्चा चाहिए, तो एक माँ बाप होते हैं जो कि आकर के इस तरह के बच्चे की चाहत में आते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, यही हम आपके सामने बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे उन्होंने बताए हमको, हमारी स्टडी में बात आई है कि ज़रूरी नहीं है कि माँ के पास बच्चा पैदा करने की के लिए यूट्रस मिसिंग है या कोई और मेडिकल कंडीशंस हैं, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी माएँ जो नहीं चाहती हैं बच्चा पैदा करना, वो भी आकर के सरोगेसी से अपने लिए एक बच्चा ले सकती हैं। तो ये पूरी जो सरोगेसी है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि चार स्टेक होल्डर्स हैं, बेसिकली देयर आर फोर स्टेक होल्डर्स। द मदर who's willing to rent her womb, the doctor who's willing to conduct the whole procedure, the parents who want the child, and this little baby who will be born. So these are the four basically stakeholders. Now problem is coming at all the four ends. You know, commissioning parents will make some kind of a contract with the doctor, and the doctor is also having some understanding with some middlemen who bring these women to the medical centers. वो लेके आते हैं इनको मेडिकल सेंटर्स में और वहाँ आकर के इनके साथ ये पूरी मेडिकल प्रोसीजर होती है, और उसके बाद 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तब माँ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ऑनर किया जाता है, वो पैसा उसको मिलता है। ज़्यादातर हमारे रिसर्च में देखा गया कि उसको वो पैसा ठीक से नहीं मिलता, और 9 महीने तक जब तक वो बच्चा उसके पेट में होता है तब तक उसको वहाँ से जाने की इजाज़त नहीं होती है। वो एक तरह का कुछ उन्होंने गेस्ट रूम बना रखा है, बहुत सारी धर्मशालाएं खोल रखी हैं, बहुत सारे इस तरह के होटल्स तैयार कर लिए हैं जहाँ पर इनको कन्फाइनमेंट में रखा जाता है। तो वो चीज़ें लेकर के बहुत सारे सवाल उठे हैं इन चारों स्टेक होल्डर। और फिर चौथा है कि बच्चा, अगर बच्चा मान लीजिए हाल में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बच्चा पैदा हुआ जापान की माँ जो जापान का था, उसी के अलावा जर्मनी का था, जिसमें कि नेशनैलिटी का कोई डिसीजन नहीं है क्योंकि ज़्यादातर इन देशों में सरोगेसी लीगल नहीं है, एक लीगल एक्टिविटी नहीं है। तो जो ये बच्चा पैदा हुआ वो किस देश का सिटीजन होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से वो बच्चा डिजेबल है या किसी कारण से वो मेंटली फिजिकली चैलेंज है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, तो फिर उस बच्चे की देखभाल के लिए अगर वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं, उनको मन नहीं होता है कि ऐसा एक बीमार बच्चा या ऐसा बच्चा वो ले जाएँ, तो हु विल लुक आफ्टर दैट चाइल्ड। So there are many, from all the four stakeholders point of view, there are many issues, and I would now suggest that Mansi Mishra presents to you the real finding of this research.
so that you will know what exactly we found and what are the problematic areas.